न्यू बैच 2025 के बीए फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर पेपर वन का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ 2024-25 के एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि इंग्लिश लिटरेचर की पूरी क्लास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने करा दी है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके हर यूनिट से पूछा जाने वाला है, सभी पर वीडियोस मैंने बना के आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में पूरा का पूरा मॉडल पेपर दिखाने वाली हूँ, पेपर का पैटर्न दिखाने वाली हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और वो कौन से क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस बार 2024-25 में भी पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी सोच रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे सिलेबस का जो 100% एग्ज़ाम में आ जाए और हम वही पढ़ लें। तो बस ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये तो पता ही है कि इंग्लिश लिटरेचर के पेपर वन में आपको पढ़ना है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड पेपर टू पर भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पूरा सेक्शन ए बी एंड सी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, तो आप बस उन्हीं क्वेश्चन को पढ़िएगा, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना रट लीजिए, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, NEP 2020 के अकॉर्डिंग हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो आपके पेपर का पैटर्न अलग हो जाएगा, मगर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाने वाला है जो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फिर आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, वीडियो ज़रूर देखिएगा। सेक्शन ए होता है आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 10 के आंसर आपको 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो चलिए उन 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाई एपिक। एपिक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो एपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही दे दिया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और ये बात मैं बता दूँ कि सभी पर मैंने फुल डिटेल क्लास अपलोड कर दी है, सभी के आंसर आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे प्लेलिस्ट में। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो ये वेरी शॉर्ट में ऐसे ही लिखकर आपसे आ जाएगा, या कहेगा डिफाइन क्लासिकल कॉमेडी। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आंसर क्या है, सेम होने वाला है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कमेंट ऑन द लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम। ऑगस्टन रोम के ऊपर आप 50 वर्ड्स में लिखिएगा कि ऑगस्टन रोम क्या था, उसके लिटरेरी कल्चर्स क्या थे, वो आपको लिखना होगा सिर्फ 50 वर्ड्स में। फिफ्थ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ जोकास्टा। जोकास्टा कौन है? तो जोकास्टा आपने पढ़ी, ट्रेजेडी मैंने आपको पढ़ाई, ओडिपस रेक्स जिसको लिखा है सोफोक्लीज ने, तो जोकास्टा जो थी सोफोक्लीज की मदर थी, मगर ये बात उस ट्रेजेडी में सबसे एंड में रिवेल होता है कि जोकास्टा कौन है, ओडिपस रेक्स की मदर है, जबकि ये ओडिपस की वाइफ थी। सारे रीडर्स को पता है कि ये दिखता है जब, तो पता चलता है कि ओडिपस की वाइफ है जोकास्टा, मगर एंड में पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो मदर है। ओडिपस ने अपने पिता को ही मार करके जोकास्टा से शादी कर ली, जो उसकी वास्तव में माँ थी, लेकिन ये बात अनजाने में होती है, बाद में रिवील होता है प्ले के एंड में कि नहीं यार, ये तो मदर थी। तो हु इज़ जोकास्टा, तो मदर एंड वाइफ दोनों थी ये ओडिपस रेक्स की। तो आप स्टोरी पढ़ लीजिएगा, ओडिपस रेक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उन पर एक वीडियो मैंने सेपरेट में अपलोड की है। 8 यूनिट से 8 वीडियो मैंने सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर की अपलोड की है, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डार्क एज लिटरेचर। डार्क एज लिटरेचर क्या है? इन सभी पर आंसर आपको मिलेंगे हमारे ही चैनल पे, जितनी भी महासंग्राम क्लास मैंने अपलोड की हैं आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, तो इन सभी के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नियो क्लासिकल एज। देखो ये पूछेगा डिफाइन नियो क्लासिकल एज, तो आप नियो क्लासिकल एज को भी तैयार कर लीजिएगा, मैंने ये भी करवा दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज भी मैंने करा दिया है, सभी के आंसर मिलेंगे आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज एकिलीज रिफ्यूज टू फाइट। एकिलीज जो था वो फाइट यानी युद्ध करने के लिए मना क्यों कर देता है, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, तो क्यों मना कर देता है? आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है एक इलियड है, होमर का इलियड जो एक एपिक पोएम है, तो इलियड में एकिलीज जो है मेन हीरो है समझ लीजिए,
तो ये युद्ध लड़ने से क्यों मना करता है। तो होमर का जो एपिक है इलियड, उस पर भी पूरा मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, और उस पर जितने भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे वो भी मैंने अपलोड कर दिया। तो उन क्वेश्चन आंसर में ये भी क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, तो आप चेक कर लेना। आपका 10 क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लेटोज द रिपब्लिक। प्लेटो की द रिपब्लिक जो है यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है, तो आप इसको भी देख लेना। इसको 50 वर्ड्स में बस लिख देना है कि इसमें क्या प्लेटो ने बताना चाहा है। तो ये 10 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए सेक्शन ए के लिए, तो इनको एकदम रख लीजिए। अब देखते हैं आपका सेक्शन बी की, सेक्शन बी में कैसा क्वेश्चन आएगा। सेक्शन बी होगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड आपसे बोला जाएगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन एंड गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन 200 वर्ड्स। तो आपको 200 वर्ड्स में आंसर देना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए बताने वाली हूँ, और सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ द थीम ऑफ होमर्स द इलियड बुक फर्स्ट। होमर की इलियड जो आपके सिलेबस में है, मैंने आपको पढ़ाई है, उसकी थीम क्या है, उसकी थीम आपको तैयार कर लेना है। ट्रोजन वार ही पूरा उसका थीम है, 10 सालों तक चलने वाला वार था ट्रोजन वार, जो कि ग्रीक एंड ट्रॉय के बीच लड़ा गया था। तो पूरा मैंने पढ़ा दिया, आप चेक करके इसको तैयार कर लीजिएगा। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट रेनेसा। रेनेसा के बारे में आप क्या जानते हैं। डिस्कस इन ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा ऑन इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर पर रेनेसा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको डिस्कस कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा, तैयार कीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कमेंट ऑन द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ जॉर्जियन पोएट्री। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था, तो इस बार भी आपसे पूछ सकता है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मोरालिटी प्लेज। मोरालिटी प्लेज पर एक नोट लिखिए, तो 200 वर्ड्स में आपको नोट्स लिखना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एपिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, ये आपका सेक्शन बी में या सेक्शन सी में तो ज़रूर पूछा जाएगा। एपिक क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और एग्जांपल के थ्रू समझाओ, एग्जांपल आपको देना होगा एपिक का। तो देखिए, होमर जो थे ये ग्रीक पोएट थे, और उनको एपिक के लिए ही जाना जाता है, और इलियड भी उनका एपिक था। तो जो मैंने वीडियो अपलोड की है यूनिट नंबर 1 में ही आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एपिक के बारे में, तो इतने डिटेल में मैंने वीडियो पढ़ाई है, एपिक की मीनिंग, ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल सब कुछ मैंने आपको दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। पूरा आंसर आपको वही एग्जाम में जाकर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज कॉमेडी एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। तो कॉमेडी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉमेडी और इसकी हिस्ट्री भी पूरा मैंने डिटेल में करा दिया है, पूरा नोट्स भी वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए, हमारे चैनल के साथ पढ़ने से आपका ये फ़ायदा है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी पूरे मिलते हैं, और वैसे ही जाकर एग्जाम में आपको लिखने होते हैं, तो सभी को तैयार कर लीजिएगा, सभी के आंसर हमारे चैनल पे मिलेंगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और आपसे भी पूछेगा। क्वेश्चन है, डिस्कस ओडिपस एज ए ट्रेजिक हीरो इन सोफोक्लीज ओडिपस रेक्स। सोफोक्लीज जो कि ग्रीक राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, इन्होंने एक प्ले लिखा ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स में ओडिपस मेन कैरेक्टर था, तो ये एक ट्रेजिक हीरो है, डिस्कस करो। तो आपको पूरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करना होगा ओडिपस का। देखो, अब जैसा कि इसने अनजाने में ही अपने सगे पिता को मार दिया, अनजाने में ही अपनी सगी माँ से शादी करके अपनी माँ को वाइफ बना लिया, तो उसके बाद देखो किस तरह अपनी आँखों को अंधी कर देता है सच्चाई जानने के बाद। तो मतलब ये ट्रेजिक हीरो के बारे में इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा, और ये लॉन्ग में ज़रूर पूछता है और हर साल पूछता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स तो एकदम ज़रूर पूछेगा, और ये हमेशा सेक्शन बी में पूछता है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। अब देखते हैं आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे आपके पेपर में 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और आपसे कहा जाता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन एंड आपको सभी के आंसर 500 वर्ड्स में देना होगा। देखो, 4 क्वेश्चन तो वैसे पेपर में पूछा जाता है, किन्हीं 2 के आंसर लिखने होते हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जहाँ से पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो 6 क्वेश्चन बताऊंगी, उन सभी को तैयार कर लेना, सेक्शन सी पूरा रेडी हो जाएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल ड्यूरिंग द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के दौरान नॉवेल किस तरह से डेवलप हुआ उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, पूरा एकदम लॉन्ग में एक्सप्लेन करके लिखना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर द मेन ट्रेंड्स एंड फीचर्स ऑफ द विक्टोरियन पोएट्री।
विक्टोरियन पोएट्री में मेन ट्रेंड्स क्या थे, उसके फीचर्स क्या थे, वो आपको तैयार करना होगा। ये भी आपके लॉन्ग में पूछेगा। देखो लॉन्ग में ना FI क्वेश्चन दिया जाता है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये भी आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इलेबोरेट द मेन फीचर्स ऑफ द प्री रेफेलाइट पोएट्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्री रेफेलाइट पोएट्री मैंने आपसे कह दिया है कि ये पूछेगा तो पूछेगा, इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखो चौसर को इंग्लिश लिटरेचर का फादर क्यों कहा जाता है। जब मैंने ये पूरी क्लास कराई थी, आप देखिएगा चौसर एज के बारे में पूरा मैंने करा दिया है, इनको फादर क्यों कहा जाता है, पूरा नोट्स भी मैंने दे दिया, पूरी वजह भी मैंने आपको बता दी। तो आप उसी क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लेना, पूरा टॉपिक पढ़ लेना, तो इस क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा और ये लॉन्ग में ज़रूर पूछेगा। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द चीफ फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और आपसे भी पूछ सकता है। तो सेक्शन सी के लिए मैंने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप इनको तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूरे मैंने आपको बता दिए, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। सेक्शन ए बी एंड सी से ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इनको एकदम रट लो और हमें हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक करके सभी के आंसर को तैयार कर लो। और ऐसे ही सभी की वीडियोज़ हम लगातार अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी विजिट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई अच्छे से पढ़ाई कर सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।